हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे किस तरह जो है टैंक को डिवाइड करते हैं, क्योंकि कभी कभी फिशेस को ब्रीड करने का मौका पड़ जाता है। जैसा कि फाइटर फिश है या कोई भी फिश को अगर आप ब्रीड करना चाहते हैं, या अग्रेशन की वजह से या गुस्सा होने की वजह से, या एक टैंक को आप दो विभाग में डिवाइड करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा आइडिया लेकर आज हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने छोटी टैंक ली है। अगर आपकी बड़ी टैंक हो 3 फीट 4 फीट, तो उसके हिसाब से भी यही सेम आइडिया उसको भी लागू होता है। तो अगर आप टैंक डिवाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी टैंक डिवाइडर्स की, जो 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये 10 रुपीज़ ही एक सिंगल है आपको पूरी टैंक। बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनलाइन में टैंक डिवाइडर करके बहुत सारे डिवाइडर्स मिलते हैं टैंक के लेंथ के हिसाब से, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत चीप एंड बेस्ट काम हो जाता है। अगर आपकी लेंथी टैंक है तो आपको 4 लेना पड़ेगा, अगर आपकी छोटी टैंक है तो 2 लेना पड़ेगा। तो करना क्या है, इसे बहुत सिंपल है। आपको टैंक के हिसाब से आपका जो है ग्लास कट करवा लेना। मैंने यहाँ पर एक ग्लास कट करवाया है, ग्लास को कट कर लेना है। अब जो भी टैंक का साइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, उससे आधा इंच कम लेना है। एग्जाम्पल, आपकी ये टैंक जो है 5 इंच की है, तो आपको 1.5 इंच का ग्लास जो है चौड़ाई में कटवाना है, और बाकी जो लेंथ है सेम इसी टैंक के हिसाब से होना है। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा हो। तो अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक 4 mm का ग्लास लेना है। 4 mm का ग्लास आपके टैंक के हिसाब से, अगर आपकी टैंक की चौड़ाई जो है 7 इंच है, या 8 इंच है, 10 इंच है, तो उसके साथ में सिर्फ 1/2 इंच आपको कम करना है। आधा इंच कम करके आपको ग्लास कटवाना है। अभी देखिए 5-6 इंच का टैंक है, तो मैंने इसको 5.5 इंच में कटवाया है, और लेंथ जो है सेम, जो लंबाई होती है सेम टैंक की उतनी ही होना ज़रूरी है, बाद में आप डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि पिछली बार मैंने बेटा फिश के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अलग टैंक बॉल में रखा था तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अभी मैं डिवाइड करके इसको यूज़ करने वाला हूँ। देखिए, आपको सिंपल इस तरह लगा लेना है, यहाँ पर दो तरफ से चिपका लेना है। बस आपको सिंपली से इसको सेंटर में कर लें। तो देखिए, ये हो गया। अभी आपको 2 टैंक या 3 टैंक, देखिए अभी ये हो गया। अगर आपको 2 चाहिए या 3 चाहिए, इसी तरह के डिवाइडर्स लेकर आप इसको 3 भाग में भी बांट सकते हो, या 2 भाग में। अगर बड़ी टैंक है, जैसा कि मेरे पास बड़ी टैंक है, 3 फीट की टैंक है, तो उस तरह की अगर डिवाइड करना चाहते हो, आप उसमें 3 हिस्से में भी आप डिवाइड कर सकते हो। देखिए, अभी बिल्कुल सिंपल सा तैयार हो चुका है। तो अभी मेरा सुन देखिए, अभी बहुत जल्दी मेरा एक बेटा आने वाला है। मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन में, वो कल या परसों में मुझे वो मिल जाएगा। तो उसके अंदर मैं एक नया बेटा ख़रीदा हूँ ब्रीडिंग के लिए। पिछली बार मैंने ब्रीडिंग के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि फ़ीमेल जो है थोड़ी सही नहीं मिली थी मुझे, और मेल भी जो है उतना हेल्थी नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन कॉल करके मंगवा लिया है, कल या परसों में आ जाएगा। तो मैं इसको, तो इस टैंक में उनको दोनों को इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके बाद बहुत जल्दी आपके साथ ब्रीडिंग बेटा की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।